माँ भगवती को अनेक अनेक नामों से पुकारा गया। उसी समय नारद जी को पता लगा कि नायक दातु शिवा ज्ञानी किशव लीला विदांवरा हिमाचल गृहम प्रीत्या गमस्तुम शिव प्रेरिता। एक समय जब नारद जी को ये पता लग गया कि हिमालय के यहाँ माँ जगदम्बा ने जन्म लिया है, तो चलो हम भी दर्शन करके आए माँ जगदम्बा का। जगत कल्याणी है, जगत नियंता है, जगदाधार है, जग का पालन करने वाली है वो माँ। कि नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिर गे सिधाए। जैसे ही पता लगा तो हिमालय के आंगन में चले आए। हिमाचल के आंगन में जब आए तो शैलराज बड़े आदर कीना पद पखार बर आसन दीना। शैलराज हिमालय ने नारद जी को जैसे ही देखा प्रणाम किया, आइए महाराज आपका स्वागत है। आसन देकर के पद प्रक्षालन किया, चरणों को धोया और प्रार्थना की कि आपका आगमन मुझे बड़ा सुख देने वाला हुआ। कोई तपस्वी संत, कोई पुण्यात्मा जीव, कोई श्रेष्ठ महात्मा, कोई गुरु आपके घर में आ जाए तो बहुत आदर करो। आदर से ही उनकी पुण्यों को आप ले सकते हैं, उनकी पुण्य से आप सुखी हो सकते हैं, उनकी पुण्य से आपका कष्ट का शमन होता है। तपस्वी का पुण्य उनका आदर सम्मान से प्राप्त कर सकते हैं और आदर करना ही चाहिए। यह हमारी भारतीयता है, ये हमारे भारत के लोगों का एक शुभ लक्षण है, एक कर्म है। हमारे भारत में बड़ों का आदर होता है, बड़ों का सत्कार होता है। जिस घर में बड़ों का आदर और सम्मान नहीं रहा, नहीं है, वही तो कष्ट है, वही तो दुख है, वही तो श्रीहीन है। शैलराज ने पद पखार बर आसन दीना। आइए महाराज बैठिए, आपका स्वागत है, आपके लिए मैं क्या सेवा करूंगा। नारद जी ने कहा मैं तो माँ भगवती का दर्शन करने आया था। उसी समय हिमालय की पत्नी मैना आई। मैना ने प्रणाम किया नारद जी को, और माँ के मन में ज्यादा ममता होती है कि मेरा बेटा बेटी कैसा होगा ये पूछती हैं। जरा देखिए ना महाराज, हमारे बेटी का लक्षण क्या होगा, कैसे कैसे गुण होंगे, कैसे अवगुण होंगे, कैसा विवाह होगा, कैसा घर वर मिलेगा, जरा बताइए तो सही लक्षण क्या है। ये माँ की ममता है, माँ को चिंता ज्यादा है। मैं घर में दुखी हूं तो ऐसा ना हो मेरी बेटी भी कहीं ससुराल में जाके दुखी रहे, चाहे खुद दुखी रहे लेकिन मेरी बेटी को सुख मिले, ये हर माँ जानती है, ये हर माँ की इच्छा और फरियाद होती है। मैना ने कहा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहूं सुता की दोष गुण मुनवर हृदय विचार। हे महात्मा जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले हैं, आप जरा बताइए मेरी सुता मेरी बेटी के लक्षण क्या हैं, जरा विचार करके बताइए, गुण दोष बताइए। नारद जी ने कहा माँ देवी
ये तो जगत की जननी है, जगत की माँ है, जो जगत का पालन करने वाले हैं, उसे कौन दुख दे सकता है। ये सर्वगुण संपन्न है कि सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियई पियारी, हुई है संतत पियई पियारी, अहीं वाता सदा चल यही कर अहीं वाता, नहीं तेजसु पहिं पितु माता, यही से जस पहिं पितु माता, नहीं तेजसु पहिं अति पितु माता। प्रेम से कहिए हर हर। नारद जी ने कहा मैना आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, ये दुर्गा है, ये देवी है, ये कालिका है, ये जगदम्बिका है, ये सुशीला है और ये अंबिका है। अनेक अनेक नामों से इनको जाना जाएगा, लेकिन जब मैंने इसका हाथ देखा तो हाथ में एक बड़ी विलक्षण रेखा है। मैना ने कहा क्या है प्रभु, वो विलक्षण रेखा है क्या, बताओ तो सही जल्दी। कि सुनो कि अगुण आमन मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। इसके हाथ की जो रेखा है वो विलक्षण वाली यह है कि इसको जो पति मिलेगा वह अगुण अमान, वह बड़ा अगुण अमान, मातु पितु हीना, जिसकी कोई मां नहीं होगी, जिसका कोई पिता नहीं होगा, जिससे मान अपमान की कोई परवाह नहीं होगी, जो उदासीन और संशय में रहने वाला होगा, शमशान में निवास करने वाला होगा और शमशान में रह करके मुर्दों की राख का लेपन करने वाला होगा, सांपों का रक्षण करने वाला होगा, भेद भूत प्रसाद डाकनी साकनी के झंडों के बीच में रहने वाला होगा। देवी मैना ने कहा अरे राम, मेरी बेटी का इतना भाग्य खराब, क्या लिखा है मेरी बेटी की भाग्य में, ऐसा उदासीन पति मिलेगा ऐसे, ये तो मुझे अच्छा लगता नहीं बिल्कुल। नारद जी से कहा मैना ने कुछ और बताऊं, कुछ और अच्छा बताओ, जब तक अच्छा बताएं पंडित जी तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, और जब एक बात खराब बता दी तो बस सारा पानी फिर गया, कैसे सहूंगे कैसे सहल। मैना ने कहा नहीं नहीं कुछ और बताओ, मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा हो ही नहीं सकता, अगुण अमान उदासीन अमंगल वेशधारी, ऐसा पति कैसे हो सकता है, कुछ और बताओ। नारद जी ने कहा देवी देखो आप चिंता मत करो, वह जो पति है इनका वो सर्वगुण संपन्न होगा, वह समर्थ होगा, उनके बराबर कोई नहीं होगा, वो सब जगत को चलाने वाला होगा। कि समरथ को नहीं दोष उसाई, समरथ को नहीं दोष उसाई, समरथ को दोष
गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। नारद जी ने कहा, देवी मैना आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो समर्थ हैं जिनके देवता भी शरणों में आकर के प्रणाम करते हैं, जो सबके स्वामी हैं, सबका पालन करने वाले हैं। क्या सूर्य को अगर हम दीपक जलाएं तो क्या दीपक की लौ, दीपक की किरणें सूर्य से ज्यादा होंगी? इसलिए वो सूर्य के समान है, दैत्यप्यमान है, वो गुणवान है, वो समर्थ है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, यही देख रेख होती है। प्रेम सुभक्त हो हर हर। तो मां मैना हिमालय की गोद में इससे रखकर के रोने लगी, दुखी होकर के, कि क्या मेरे बेटी के भाग्य में ये लिखा है? कोई मेरी बेटी के भाग्य को बदल नहीं सकता क्या? हिमालय ने कहा, देवी जिसकी भाग्य में जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई मिट नहीं सकता, जो लिख गया और लिखा भी जाता है आपके शुभ अशुभ कर्मों से, जो लिख गया तुम्हारे शुभ कर्मों से अशुभ भी शुभ कर्म में परिणत हो सकते हैं। तुम्हारे शुभ कर्म करने से आपकी हाथों की जो रेखा है, जो अशुभ है, जो बड़े अभद्र है, जो ठीक नहीं है, जो गड़बड़ वाली है, वह भी शुभ कर्म करने से अच्छे रूप में परिणत हो जाएगी।